मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि उपाध्याय। करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अभी पहुंचे हैं भीमताल से थोड़ा नीचे सलड़ी एक जगह पड़ती है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हमने। अभी आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मुक्तेश्वर, काफ़ी अच्छा खूबसूरत हिल स्टेशन है नैनीताल का। अभी हम भीमताल में हैं, बाकी का वीडियो आपने देखा हुआ है पुराने मेरे कि भीमताल कैसे आपको पहुँचना है, इसलिए मैंने बीच वाला स्किप किया है। रुद्रपुर से हम लोग चले हल्द्वानी आए और उसका यहाँ भीमताल आ गया, यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और अब निकलेंगे मुक्तेश्वर की ओर। करीब अभी 12 बजे हैं दिन के और हमको वहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा और लगेगा, तो देखते हैं उसका रास्ता, चलते हैं मुक्तेश्वर। आज जो हमारे साथी हैं घूमने वाले, यह थापा जी, पीछे हमारे दिनेश सर और ये दिव्यांश, हम चाय के साथ जा रहे हैं अभी मुक्तेश्वर। भीमताल से करीब 2 किलोमीटर आगे आके एक जगह पड़ती है खुटानी। खुटानी से हमने राइट टर्न करना है, धानाचुली वाले रूट को हमने पकड़ना है। धानाचुली रूट पर जैसे हम आएंगे तो इस वे पे पहुंच जाएंगे और ये वे इतना काफ़ी खूबसूरत है, आप देखो चारों ओर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और इतना ग्रीन है कि मतलब मज़ा आ जाएगा आपको इस रूट पर आके। थोड़ा रोड इसकी थोड़ी सिंगल है लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। ये ब्रिज काफ़ी अच्छा है और व्यू भी बहुत तगड़ा है, सामने बिल्कुल ग्रीन सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, देखो मस्त लग रहा है। धानाचुली से करीब 1 किलोमीटर आगे आके जो रोड ऊपर राइट को जा रही है वो लोहाघाट जा रही है और जो लेफ्ट को जा रही है वो जाएगी सीधे मुक्तेश्वर की ओर को। देखिए वहाँ बोर्ड पर लगा हुआ है लोहाघाट करीब आपके 106 किलोमीटर है और देवीधुरा 62 किलोमीटर है। वही रोड पिथौरागढ़ को भी जाती है, आप इस रूट से पिथौरागढ़ 20 किलोमीटर पास पड़ेगा आपको। अभी हम धानाचुली से करीब 4-5 किलोमीटर आगे आए हैं मुक्तेश्वर की ओर को, लेकिन जो व्यू है ना यहाँ का 360 में बहुत ज़बरदस्त व्यू है। देखिए आप चारों ओर क्लाउड्स हैं आसमान में और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और ऐसा व्यू बहुत जगह देखने को कम मिलता है और ये घाटी काफ़ी खूबसूरत है। बिठोलिया में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ हमने लंच किया। यहाँ से जो ऊपर को रोड चलेगी ये सीधे गई आपके मुक्तेश्वर की ओर को, यहाँ से 6 किलोमीटर है मुक्तेश्वर। भटिलिया से मुक्तेश्वर तक अभी तक हम जितपुर रास्ता फॉलो किया, काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, रिजॉर्ट बहुत सारे हैं और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर आके लंच कर सकते हैं। खैर हम तो नीचे भटेरिया में कर चुके हैं। ऐसी ग्रीनरी है ना भाई साहब, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। इस फॉरेस्ट में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है और दोनों ओर रोड के दोनों ओर ओक के ट्री हैं और ठंडा बहुत ज़्यादा है, लगता नहीं कि समर का सीज़न है और ठंडा काफ़ी है क्योंकि अगस्त का महीना है, अभी तो गर्मी होती है लेकिन यहाँ काफ़ी ठंडा है और बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर बहुत शांत है और शांति के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पक्का आना चाहिए यहाँ पर, आपको ज़िंदगी के गुड मोमेंट स्पेंड करने को आपको ज़रूर आना चाहिए। देखिए बच्चे ना स्वेटर पहने हुए हैं। वी आर नाउ एट मुक्तेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू IVRI मुक्तेश्वर। यहाँ पे एक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, इंडियर में वेटनरी सर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे, और ये ऊपर यहाँ पे कहीं पे हमें होटल ढूंढने पड़ेंगे। होटल देखते हैं फिर आपको बाकी का व्यू दिखाता हूँ, या कल सुबह या आज शाम को। होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, एट लास्ट हमने एक होम स्टे लिया हुआ है, 1000 रुपये चार्ज है इसका, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मतलब एक रात बिताने के लिए सही है। साथ में अटैच वॉशरूम और जो बाहर का नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है, वो बाहर के नज़ारे की वजह से ही मैंने लिया। देखो नीचे ना पूरी की पूरी घाटी दिखाई दे रही है, अभी सनसेट इधर ही होगा तो सनसेट की फ़ोटो भी बड़ी मस्त आएंगी और घाटी बहुत अच्छी है। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना मुक्तेश्वर का मंदिर और चौली की जाली दिखाई दे रही है, कल सुबह मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा। आज के लिए अलविदा, बाय बाय, भगवान आपकी रक्षा करे और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे रेड कलर का बटन है आपको उसको क्लिक करना है, उसको क्लिक करने के आपको पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें।